अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उसके इस घर में आते ही हमारा ये घर खुशियों से भर जाएगा। आज इस पूजा के बाद हमारे आयुष की जिंदगी में ऐसी पत्नी आएगी जैसे भोलेनाथ जी की जिंदगी में पार्वती जी आई थी। देखना रघु, फूलों से स्वागत होगा हमारी बहू का। रुको, इन गंदी मिट्टी वाले पैरों से अंदर कहाँ जा रही थी तुम? गंदी मिट्टी? अरे इस मिट्टी से तो भगवान की मूर्ति बनती है। इसी मिट्टी में फसल उगती है जिससे हम सबका पेट भरता है, तो फिर मिट्टी गंदी कैसे हो सकती है? इस घर के होने वाली ना मालकिन हूँ मैं, सम्मान दो, ज्ञान नहीं। चलो निकलो यहाँ से, और इन गंदे पैरों से अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष्मान इधर आओ। ये तो डॉक्टर बाबू का नाम है। नहीं नहीं, इतना बड़ा शहर है ये बनारस, और आयुष्मान नाम के तो कितने लोग होंगे यहाँ। ये डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते, कौन और होंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रणाम बुआ जी। जीते रहो बेटा। हेलो लड़की, कहाँ कोई भी हो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बिरजू जी, मैडम जी, इस लड़की को निकालो यहाँ से, और हाँ मेक श्योर कि अंदर ना आ पाए। मैडम जी, मैडम जी। ए लड़की, अरे हमें काम करना है, हमें सजावट करनी है। लो आ गई हमारी बहू। आलिया, आलिया, तुम लोगों को कितनी बार। बुआ जी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अब जाइए। पूरे कपड़े खराब हो गए, पूरे गीले हो गए, मैं क्या करूंगी, क्या पहनूंगी मैं? कोई बात नहीं बेटा, पूजा में पहनने के लिए तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं, जाओ जाके बदली कर लो। जी बुआ जी, थैंक यू, मैं चेंज करके आती।
हमें पैसे की जरूरत है बहुत, हमें इलाज कराना है अमरी भाई का। अब तुझे सजावट के लिए बुलाया गया है ना, तो इन्हें कहिए ना ये अंदर ही नहीं जाने दे रहे हमें। क्यों अंदर जाना है, तू इस घर की रिश्तेदार है, मेहमान है या बहू है कि तुझे गृह प्रवेश करने के लिए तुझे अंदर जाना होगा? चलो बाहर की सजावट करो फटाफट। जी दीदी, तुम्हें कुछ काम कहना यानी कलेश ले लेना। इकाहे काहे दीदी, वो आरती के दिए में घी डालते हुए शायद थोड़ा गिर गया होगा। क्या सारी जिंदगी सिर्फ गलतियां ही करती रहोगी क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती की वजह से हमारी बहू फिसल कर गिर गई। पापा, माँ ने कहा ना कि गलती से गिर गया। बात खत्म करिए। बात छोड़ बेटा, तेरा और आलिया का तो रिश्ता ही खत्म होने वाला था। पता है ना कितनी मुश्किल से सब ठीक हुआ है। अगर उर्वशी जी ने ये देख लिया होता तो आज एक नया तमाशा खड़ा कर देते। ढेले भर की समझ नहीं है तुम में, कोई जिम्मेदारी ठीक से उठा पाओ। जिम्मेदारी की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा, ऐसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। आयुष बेटा, पापा से ऐसे बात नहीं करते। बस ये भोला बनने का नाटक मत करो। अब पता है मुझे तुम्ही ने उसके मन में जहर भरा है मेरे खिलाफ, पर तुम्हें क्या कहूं, ना अच्छी बीवी बन पाई ना अच्छी माँ। बस कीजिए आप, अब मैं माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। आयुष बस करो, तुम दोनों हम यहाँ ई तय करने के लिए नहीं आए हैं कि कौन लायक है कौन नालायक। आज इतनी बड़ी पूजा है, आज के दिन कुछ अशुभ नहीं होना चाहिए। राघव देखो पंडित जी कहाँ पहुंचे। जी दीदी। चकोरी, बड़ी बहू हो इस घर की, जरा नयन मटकाने के अलावा हाथ पैर भी हिला लिया करो। चलो ठीक है। आप माई का फोन। हेलो माई। बिटिया कैसी हो तुम? हम तो एकदम टकाटक है माई। अरे वाह, आज तो नागपंचमी है ना? तुम्हारे ससुराल में तो बहुत जोर शोर से तैयारी चल रहा होगा। हा? उनके बहू का आज पहला नागपंचमी जो है। तुमको तो एकदम महारानी के जैसन तैयार कर रहे होंगे है ना? आयुष बेटा, तू क्यों इतना गुस्सा करता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है माँ, पत्नी है आप उनकी, और पति होने के नाते उनका फर्ज है कि वो आपका ख्याल रखे, आपको इज्जत दें, प्यार दें। तू ख्याल रखना अपनी पत्नी का, उसे प्यार देना, उसे इज्जत देना, तू निभाना अपनी पत्नी को दिए 7 वचन। मैं भी क्या बातें लेकर के बैठ गई। आज नागपंचमी है, तुझे पता है कि आज का दिन एक जोड़े के लिए कितना बड़ा होता है, खास तौर से इस घर की बहू के लिए। एक बार ये पूजा हो जाए ना, तेरी शादी खुशी खुशी हो जाएगी। मुझे कहना क्यों याद आ रही है बार बार? बेटिया हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं कि तुमको डॉक्टर बाबू जैसे पति मिले।
जो पकड़वा शादी होने पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। कभी साथ मत छोड़ना अपनी पत्नी का। जैसे शिवजी और पार्वती का अटूट रिश्ता है ना, जब तेरी शादी हो जाए तो कोशिश करना कि तेरा रिश्ता भी अटूट हो। चल अब उदास मत हो, जल्दी से आजा पूजा के लिए। चल आजा। आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं और आज से अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। कहना बस उस एनजीओ में सही सलामत रहे। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।